श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय प्रारंभ। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ वानर का सा मुहूर्त देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रतनमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, गोपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित ना होने वाला वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसे कहकर राजा से विदा ले इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं? स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण करे, यह कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देख कर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती हैं, इसमें संशय नहीं है। मेरा ऐसा विचार करके काम से विहल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृतांत कहूँगा, तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुनि, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचन कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शिलानिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं में वहाँ सहस्त्र राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूत जी ने कहा, महर्षियों,
नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ, मैं अब उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वेद अत्यंत पीड़ा रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर उसका और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने कृत्य मानने लगे और भगवान ने क्या प्रयत्न किया इसको वे समझ ना सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शील निधि ने राजकुमारी से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रवरों राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्य ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को ना जान सके। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के दो पार्षद आए थे जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहाँ बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेदों को जानते थे। मुनि को काम वेश से मुड़ा हुआ जान वो दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से विहल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षण राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूपकन्या माला हाथों में लेकर अपने मन में अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभाओं में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हंसाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनवांछित वर को ना देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी हो गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि ले कामदेव से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहल नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूत जी कहते हैं, महर्षियों ने उन रुद्रगणों का यह क्वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देख वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ पर ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारा आकार राक्षस के समान ही होगा।
इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञानी शिरोमणि शिव गण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ओम। इस प्रकार श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का अध्याय 3 संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।